हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, सुबह का समय है, रमेश अभी भी सो रहा है और आज का जो मौसम है बहुत ख़राब है। मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि मौसम जो ऐसा हो गया कि बारिश आने के जैसा हो गया है। रात को बारिश हुई थी लेकिन सुबह का जो मौसम है बहुत ही ख़राब है। तो यहाँ पे आप मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, पूरा का पूरे बादल से पूरा का पूरा आसमान गिर चुका है और जो मौसम है वो बहुत ख़राब हो चुका है। तो बाहर जाने के अभी जो हालात नहीं है तो बाहर नहीं जा पाएंगे, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा इस ब्लॉग में कुछ तरीके से। तो रमेश अभी भी सोया हुआ है, रमेश को उठने में समय है। रमेश तो अभी नहीं उठेगा। और ये है उसका ट्रैक्टर जो कि कल खरीदी किया था। इसके लिए बहुत, जब इसने पहली बार देखा तो बहुत उधर रोया, बोलते हैं लेना ही लेना है। तो इसके लिए ट्रैक्टर ले लिया है, ये वाला जो ट्रैक्टर है देख सकते हैं आप इस तरह से। और रात को खेलते खेलते ही ये सो गया था यहाँ पे, इससे ट्रैक्टर के साथ खेलते खेलते ही सो गया था। इसके लिए ये भी यहाँ पर सोया हुआ है यहाँ पर, और इसका जो ट्रैक्टर है वो भी यहाँ पे है। और हमारी चाय भी तैयार हो चुकी है, तो सुबह सुबह हम चाय पीने वाले हैं। तो दोस्तों ब्लॉग को पूरा देखिए, ब्लॉग को देखते रहिए और आगे तक देखिए, मैं आपको पूरे नज़ारे दिखाते रहूँगा। तो वो वाली सत पे मैं गया था, उस वाली सत पे, वहाँ से जो कि वहाँ से जाते हैं। और अभी मैं ये वाले सत पे यहाँ पे जाके चेक करता हूँ क्योंकि रात को जो बारिश हुई थी, हल्की सी बारिश थी, देखते हैं कि बारिश मतलब ज़्यादा हुई थी कि नॉर्मल हुई थी। तो यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं। तो ये वाला है, ये देख सकते हैं, ये जो सीढ़ी है ये कुछ इस तरीके से है यहाँ का ऊपर का। तो यहाँ का नज़ारा तो पूरा का पूरा सूखा ही पड़ा। वैसे उतनी बारिश नहीं हुई थी, बहुत कम बारिश हुई थी, हल्की सी बारिश आई थी, लेकिन जो मौसम है वो पूरी तरह से ख़राब है। देख सकते हैं यहाँ पे, आपको दिखाई देता रहेगा, जो बादल बहुत सारे हैं। अगर हम कहीं भी बाहर भी जाना चाहेंगे तो अगर बारिश हुई तो बारिश की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज जो है बाहर जाना कैंसिल करते हैं। तो ये वाला है, यहाँ से ऊपर जाने के लिए एक और सीढ़ी है जो कि छत पे जाते हैं, और वहाँ पे भी उच्च साइड पे भी एक सीढ़ी है जो कि छत पे ही जाती है। यहाँ से पूरा लंबा घर है, इतना 14 से लेके इतना यहाँ तक है। दोनों दरवाजे हैं, वो वाला दरवाज़ा भी है और उधर का भी दरवाज़ा है, यानी कि दोनों बाजू दरवाज़ा है। ये बाजू से भी आ सकते हैं घर के अंदर और वो बाजू से भी घर के अंदर आ सकते हैं। तो दोस्तों चाय हमारी बन रही है रोज़ के माफिक, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये हमारी चाय है और जिन भाइयों को चाय पीना है आ जाओ, चाय पीते हैं हम लोग। और चाय पीने के बाद फिर कुछ अलग रोज़ का जो रूटीन है वो करते हैं। चाय तो दोस्तों तैयार हो चुकी है, इसके अंदर क्योंकि हम लोग दो ही जन रहते हैं इसके लिए चाय बहुत कम रखते हैं। और आज जो है ये देख सकते हैं रोटी है, और आज जो बनाई है सब्जी की जगह सिर्फ और सिर्फ मिर्ची धनिया की जो चटनी है वो वाली बनाई है। तो आज रोटी और सब्जी, और बहुत मज़ा आता है ये जो खाने में, इतना मज़ा आता है, इतना टेस्टी लगता है कि बहुत ही आनंद आता है इसके अंदर। तो ये रही हमारी चाय, और चाय के साथ है ये बिस्किट जो कि नाश्ते में हम बिस्किट ही खाता हूँ क्योंकि सुबह में ये टाइम पे सुबह में जल्दी उठ के फिर मैं जाता हूँ शॉप में, मेरी एक छोटी सी शॉप है जहाँ पे मैं कार्य करता हूँ, मेरी खुद की ही शॉप है, वहाँ पे जाता हूँ। तो सुबह सुबह जल्दी जाने के कारण सिर्फ चाय और ये बिस्किट खा के ही चला जाता हूँ। फिर वापस दोपहर में जल्दी खाना खा लेते हैं हम लोग, जैसे कि 12 बजे के आसपास मैं वापस आ जाता हूँ और खाना जल्दी खा लेते हैं।
होगा, जिसके कारण सुबह में उतना खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चाय के साथ बिस्किट, और आप लोगों को भी अगर नाश्ता करना है तो आ जाइए। तो अभी रमेश को उठाते हैं क्योंकि हमें जाना है बाहर, तो उसको उठाना पड़ेगा। तो रमेश चल उठ, देख तेरा ट्रैक्टर को लेके गया। उठ जाओ। हेलो बोलो, गुड मॉर्निंग सबको। तो रमेश के लिए भी चाय आ चुकी है, ये रही रमेश की चाय। और रमेश अपने हाथों से ही चाय पीता है, खुद सुबह उठते ही वो चाय पीता है। तो मैं भी तैयार हो चुका हूँ, रमेश उठ गया है, अभी इसको तैयार करना बाकी है। फटाफट से इसको भी तैयार करते हैं और निकलते हैं बाहर, और मौसम देखते हैं, और मौसम के हिसाब से अगर जाना रहेगा तो जाएंगे, नहीं तो फिर बाहर जाना आज कैंसिल करेंगे। आज पूरा दिन करेंगे इंजॉय घर के अंदर, और रमेश चलाएगा पूरा दिन ट्रैक्टर। रमेश बोल सबको, हेलो बोल, हाय बोल, गुड मॉर्निंग, जोर से बोलो गुड मॉर्निंग। मेरा नया ट्रैक्टर आ गया है, तो देखा ये रमेश का नया ट्रैक्टर है। और देखते हैं क्या करना है, दिन भर मस्ती करना है, घर के अंदर रहना है कि बाहर जाना है, देखते हैं मौसम के हिसाब से। ज़्यादा ठंडा मौसम रहेगा तो नहीं जाएंगे, घर के अंदर ही रहेंगे। और ब्लॉग को पूरा देखिए, देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सपोर्ट बनाए रखो दोस्तों। सपोर्ट आप बनाएंगे तो मैं आगे बना पाऊंगा वीडियो, और वीडियो जब आप सपोर्ट करते हैं, जब आप वीडियो को देखते हैं तो मुझे हिम्मत मिलती है, और आपके व्यूज के, आपके देखने के हिसाब से ही मैं अलग अलग तरह की वीडियो बनाऊंगा। तो हर ब्लॉग को देखो, मैंने बहुत सारे ब्लॉग बनाए, आप सभी ब्लॉग को देखते जाओ। तो रमेश का ये है जैकेट, क्योंकि ठंडी की वजह से जैकेट पहनना भी बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छी बात है कि रमेश को जैकेट पहनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही पहन लेता है। तो ये लो रमेश, फटाफट से इसको पहनो, जल्दी से लो जल्दी, कैसे पहनते देख दिखाओ इनको सबको, जल्दी एकदम फास्ट, खड़े हो जाओ। तो देखो रमेश बहुत ही होशियार लड़का है, अपने आप जैकेट पहन लेता है। देखो किस तरह से जैकेट पहन रहा है, और ठंडी के कारण बाहर जा रहे हैं, कुछ लंबा नहीं जा रहे, यहीं पे जा रहे कुछ काम की वजह से। तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा मैं वहाँ का भी आपको वीडियो बताऊंगा। तो रमेश ने जैकेट पहन लिया है, और इसका जो हाथ है वो एक हाथ अंदर आ गया है, दूसरा हाथ नहीं आ रहा है। तो थोड़ी हेल्प मैं कर देता हूँ, तो मैं करूं? नहीं, क्यों? क्योंकि रमेश होशियार है, ये देखो। और फिर भी उसने पहन लिया और तैयार हो चुका है, और अभी भी इसका जो मन है पूरा उस ट्रैक्टर के अंदर है। तो ट्रैक्टर को भी लेके चलेंगे साथ में। रमेश ट्रैक्टर को साथ में लेना है कि यही पे रखना है? ट्रैक्टर को यही पे रखेंगे, सिर्फ रमेश को लेके जाएंगे, ट्रैक्टर को नहीं लेके जाएंगे कहीं टूट फूट गया तो।